हाँ जी भाई, तो आज कुछ करने को था ही नहीं मेरे पास, तो इसलिए मैंने कोई ब्लॉग भी नहीं बनाया। लेकिन अभी अभी मुझे स्नातक की कॉल आई, वो कहते हैं यार आधा कहीं चलते हैं। मुझे भी नहीं पता सीरियसली कहाँ जाना है, तो अभी हम स्नातक से मिलते हैं, मुझे भी पता चल जाएगा, आपको भी पता चल जाएगा कि कहाँ जाना है। हाँ जी भाई जान, तो अब सीन्स कुछ इस तरह के हैं कि हम जा रहे हैं ग्लोरिया। असनाथ भाई ने मौका ही नहीं दिया कि मैं कैमरे से शूट कर सकूं, और अभी असनाथ भाई गिरने लगे थे, बजने लगे थे, तो असनाथ भाई ने मौका ही नहीं दिया कि मैं कैमरे से शूट करूं, तो मैंने सोचा मोबाइल से कर लेता हूं। बाकी जो बाकी शूट्स हैं वो ग्लोरिया जाके कैमरे से करते हैं। तो भाई जान, अब हम आ गए हैं ये कैफे बारबेरा मैं मालम रोड पे, ये है। तो अब हमारे साथ है ये साथ भाई, अब हम जा रहे अंदर, तो अंदर भी आप दिखाते हैं क्या सीन का। ये जो मैं पी रहा हूँ इसका नाम है ग्रीन एप्पल स्लश है, और अभी एक पिज्जा ऑर्डर किया है और एक पास्ता ऑर्डर किया है, और वो बहुत ही यहाँ पर बहुत ही अच्छा है, क्योंकि ग्रीन जाने हैं इतना मज़ा आया है। और चेक किया ट्रीट हमें, ये साथ ही ट्रीट है, साथ ही उनकी ट्रीट है ये। तो बाकी फिर खा के बात करते हैं क्या है, खाना आता है तो जरूर दिखाऊंगा, ठीक है। अब हम आगे जा रहे हैं एच एन जी पे, साथ में कुछ है एच एन जी। हाँ, तो हम एच एन जी पे जा रहे हैं, वहाँ पे जाके लेमिनेट पियेंगे, उसके बाद प्रोग्राम है आइसक्रीम खाने का, शायद पक्का नहीं है, लेकिन अगर वो का तो रिकॉर्ड जरूर करेंगे। हाँ जी भाई, तो अब हम एच एन जी पे आ चुके हैं, ये पीछे एच एन जी है, यहाँ को सुना था लेमिनेट बहुत मज़े का है, तो मैं सोचा आए हुए थोड़ा ट्राई कर लें स्पेशल लेमिनेट, पीछे साथ में बैठे हुए हैं। हाँ, तो ऐसे राधे सैमपी के पुत्र हैं। नहीं भाई, ईजी नहीं लेना आपने स्नाथ भाई को, स्नाथ भाई बहुत ग्रेट बंदे हैं, ईजी नहीं लेना आपने, इनका एक स्पेशल नाम है वो फिर कभी किसी ब्लॉग में बताऊंगा मैं, लेकिन बताऊंगा जरूर, ये बात है। तो अगर आप कभी भी एच एन जी पे हैं तो स्पेशल लेमिनेट जरूर ट्राई कीजिए। आइए जी, तो यार आज का दिन थोड़ा मज़े का था मेरे लिहाज से, अपने लिहाज से मज़े का था, मुझे मज़े का लगा। और वीडियो क्वालिटी हो सकती है थोड़ी सी गंदी हो, क्योंकि यार बारबेरा में लाइट्स बहुत कम थी, मतलब सही क्वालिटी नहीं आ रही थी वीडियो की, लेकिन मैंने फिर भी ट्राई किया है कि यार बेहतर से बेहतर हो सके। तो अगर वीडियो क्वालिटी अच्छी ना हुई तो इसके लिए तहे दिल से माजरत है, दिल की गहराइयों से माजरत है बल्कि। और मज़े का था, और वैसे मैंने आपको पहले बता दिया था असनाथ भाई ने मुझे मौका ही नहीं दिया कि मैं कैमरे से शूट कर सकूं स्टार्टिंग सीन्स, वो मैंने इसलिए मोबाइल से रिकॉर्ड किया था। और हाँ, एक और बात यार, जब हम लोग एच एन जी बैठे हुए थे ना, तब एक बंदा आया हमारे पास, उसने हमें अपना रैप सुनाया,
तो वो रैप आप सुने। अगर तो कोई वीडियो कंपोजर मेरी वीडियो देखता है, मतलब म्यूजिक कंपोजर सॉरी मेरी वीडियोस देखता है, तो यार उसे जरूर अप्रोच करें। मतलब बहुत टैलेंट है उसमें, अच्छा बंदा था यार वो, मतलब बहुत टैलेंटेड बंदा था। अगर तो कोई देखता है तो उसे जरूर अप्रोच करें, या फ्यूचर में कभी अगर कोई देखेगा तो उसे जरूर अप्रोच कीजिएगा। तो आया वीडियो देखें आप। ਨੀ ਮੈਂ ਨੀ ਬੋਲਦਾ ਨੀ ਮੇਰੀ ਬੋਲਦੀ ਜ਼ਬਾਨ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰੀ ਬਾਂ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣੇ ਮੈਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁੜ ਕੇ ਕੂੜ ਤੂੰ ਵੇਖਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਅਜੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। कैसी लगी वीडियो? मतलब मज़े की थी यार, मुझे भी पता, मतलब उस लिहाज से, मतलब यार वो मजदूर बंदा था, टांग नहीं थी उसकी एक, और बेचारा वैसे बुक्स बेच रहा था, और मेरे पास आया, मैंने कहा वैसे पैसे ले लो। उसने कहा नहीं यार मैं भीख नहीं मांग रहा हूँ, मैं इधर रोजी रोटी कमाने आया हूँ, और जब तक आप मेरे से कोई चीज़ नहीं लेंगे मैं आपसे पैसे नहीं लूँगा। और ये चीज़ मुझे उसकी बहुत अच्छी लगी है। तो यार ऐसे बंदों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए, जो जिनमें सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, जो सब अपना बेच नहीं देते हैं पैसे की खातिर। तो बस यही कहना था, और अगर व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, जो यहाँ पे आ रहा होगा एक गोल सा उसे सब्सक्राइब कर दें। बाकी कमेंट शमेंट करना हो कर दो, नहीं भी करो तब भी इजी है भाई, आपका नहीं फील करता, आप जैसे मर्जी कमेंट करें, अच्छे करें या बुरे करें, भाई आपका नहीं फील करता। तो मिलते हैं फिर अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए।